ભારતીય વાયુસેનાના જન્મ ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજન કરાયું ભારતીય એકમાત્ર માર્શલ અર્જન સિંહ વિશેષ ફ્લાઇંગ ક્રોસની જન્મ શતાબ્દીની ઉજવણી કરવા માટે ભારતીય વાયુસેનાના મુખ્યાલય સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડ દ્વારા ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર પરિસરમાં એક કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

वायु ने यूनिफॉर्म में एक खास सेल्फी पॉइंट उभो करवामा आयो होतो जहां नाना मोटा सब सेल्फी पड़वता नजरि જોવા મળ્યા ने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स में एक बाईसाइकिल रैली का आयोजन किया था जिसका प्रमुख उद्देश्य हमारे एयर वॉरियर्स के अंदर जागरूकता कायम करने के लिए था कि बाईसाइकिल एक सस्टेनेबल मींस है एक अच्छा मींस है अपने आप को फिट रखने का और एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने का हालांकि हमारे वायुसैनिक हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी दुश्मन के मिस एडवेंचर के लिए बट एट द सेम टाइम उनको फिज़िकली फिट रहना और सहज ढंग से अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है तो उसके उद्देश्य से हमने ये एक रैली आयोजित की थी आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस वर्ष मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खुद एक बहुत ही कीन स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्हें साइकिलिंग का बहुत शौक़ था तो आज का ये समारोह आज का ये जो इवेंट है हमने उनके लिए डेडिकेट किया है और ये जो इवेंट है सिर्फ हमारे हेडक्वार्टर्स में नहीं बट सारे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जितने भी स्टेशन हैं सब में आज ये मनाया जा रहा है ताकि हम सब फिट रहें हम सब आ, इसके लिए तैयार रहे कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें और हम अच्छे तरीके से इधर रहे थैंक यू एयर मार्शल एच एस अरोरा एवी एस एम एडीएस एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ स्वाके पोता प्रारंभिक संबोधन में ઉપસ્થિત તમામ લોકોનું સ્વાગત કર્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે ભારતીય વાયુદળના તમામ સૈનિકોને માર્શલના સિદ્ધાંતોને સાકાર કરવા પર ગર્વ છે તેમણે કોન્સર્ટમાં ખાતરી પણ આપી હતી કે જ્યારે આઈએફ શાંતિ અને યુદ્ધ એમ બંને સ્થિતિમાં દેશની આકાશી સરહદોનું રક્ષણ કરવાના મુખ્ય કામ માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે ત્યારે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભારતીય વાયુદળના પુરુષો અને મહિલાઓની હાજરી અને ભાગીદારીની જરૂરિયાતના સમયમાં સાથી નાગરિકોની સેવા માટે એટલા જ કટિબદ્ધ છે

દર્શકોએ ખરા અર્થમાં આઈ એફ સ્વાક બેન્ડ વગાડેલી કર્ણપ્રિય ધૂનોની મજા માણી હતી કિંજલ શિકારી જ્યારે ટીવી અમદાવાદ पहले तो मैं ये बताऊं कि ये प्रदर्शनी एक सबसेट है हमारा मेन कार्यक्रम एक बैंड कंसर्ट है जो कि ऑनर में है मार्शल ऑफ़ द इंडियन एयरफोर्स के अर्जन सिंह जो कि डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस थे बाद में उनको पद्म विभूषण मिला 1965 की वॉर में ही वॉज द एयर चीफ एंड ही वन द वॉर फॉर अस हमारे लिए उन्होंने uh, युद्ध जीता और 50 uh, साल की उम्र में उनको एयर चीफ मार्शल जब वो हुए और वो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने एम्बेसडर बने वेटिकन के एम्बेसडर बने स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बने एंड ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली और उसके बाद 2002 में भारत सरकार ने उन्हें एक सम्मान दिया आज तक केवल एयरफोर्स में एक ही मार्शल हुए हैं जो कि अर्जन सिंह हैं और बाकी आर्मी में फील्ड मार्शल मानेक शाह हुए हैं फील्ड मार्शल के एम करियप्पा हुए हैं और उसी प्रकार ये मार्शल एक आइकॉनिक फिगर हैं एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे ये वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बिकॉज एज अ मार्शल यू कैन रिमेन इन यूनिफॉर्म टिल योर एंड इसकी को उन्होंने निभाया बखूबी निभाया 98 एट ईयर्स तक वो अपनी यूनिफॉर्म में रहे एकदम जैसे कि एक एयर वॉरियर को रहना चाहिए टचिंग द स्काई विद ग्लोरी जो हमारा एयरफोर्स का मोटव है वो हमेशा उसको फॉलो किया उन्होंने और उन्होंने एक आ, ट्रस्ट भी आ, खोला अपनी निजी संपत्ति को बेचकर वह उन्होंने एक ट्रस्ट खोला मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ट्रस्ट एंड मिसेज अर्जन सिंह ट्रस्ट उसका नाम है और जिससे एयर वॉरियर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है और ये सारी और बहुत ही वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी वो जाते हैं बैंड बैंड कंसर्ट जो होगा उससे पहले और उसके साथ ही में हमने ये प्रदर्शनी लगाई है जिसमें एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे हमने छोटे छोटे मॉडल्स रखे हैं एयरक्राफ्ट के जिसमें मिग 21 का मॉडल है सू 30 का मॉडल है रफ़ेल का मॉडल है फिर हमने एम्यूनिशन रखा है जो कि फ्रंट गन्स में यूज़ होता है ट्वेंटी थ्री एम एम वो एम्यूनिशन है आपने देखा होगा बॉम्ब्स के अलग अलग कटआउट्स हैं और यहाँ पर रॉकेट पॉड्स हैं मिजाइल्स हैं हैंड हेल्ड मिज़ाइल्स जो होती हैं ईगला मिज़ाइल्स वो सरफेस टू एयर मिज़ाइल्स उसका प्रदर्शन है हमारी स्पेशल फोर्स जो गरुड़ है एयरफोर्स की उसका इक्विपमेंट और उसके यहाँ पे कमांडोज भी यहाँ पर हैं उपस्थित हैं तो ये सब देखने को आपको मिलेगा और साथ में जो यूथ इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो तो हमने कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे ये ग्लैमर हो एयरफोर्स का जो है आप जानते होंगे बहुत ही अच्छे ग्लैमर के लिए प्रसिद्ध है कि वो जहाज़ तेज़ी से चलता है वी कैन रीच दर इज़ फ्लैक्सीबिलिटी इन द एयरफोर्स दे इज़ यूबिक्विटी ऑफ द एयरफोर्स वी कैन रीच एनी वेयर एनी टाइम दुश्मनों को हमेशा से डरा सकते हैं कि हम कहीं पर भी पहुँच सकते हैं आपके व खेमे में भी पहुँच सकते हैं तो ये एयरफोर्स की जो काबिलियत है उसको छोटा सा दर्शाया गया है इस पार्ट में इस प्रदर्शनी में युवाओं को एक ही संदेश होगा कि प्लीज़ डोंट टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ गो फॉर द लॉन्ग रन एंड गो फॉर द हार्डर राइट देन द दियर रॉन्ग यानी कि आप जो भी काम करें अगर वो अच्छा काम है तो उसमें कठिनाइयाँ आएंगी पर आप उसको करें जो ईजियर रॉन्ग है उसको ना करें